जय श्री राधा कृष्ण। रमा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक बड़ा ही सरल मार्ग है, जिसमें जीवन में सुख शांति और आध्यात्मिक संतोष ऐसे सहज में ही मिल जाता है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में जो परेशानियां आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। रमा एकादशी का व्रत रखने से साधक के जीवन में अनंत खुशियां आती हैं। इसके अलावा पैसे की कमी और पापों से छुटकारा भी मिल जाता है। मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। इससे धन लाभ के योग बनते हैं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रमा एकादशी का व्रत करने से जो महापाप होते हैं जैसे ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है उसे भी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए एकादशी पर पूजा जरूर करें, व्रत कथा जरूर सुने। अपनी अगली वीडियो में आपको रमा एकादशी की पवित्र पावन पौराणिक कथा सुना। अब आज इस वीडियो में हम कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की पूजा विधि, महत्व और जानने योग्य कार्यों को जानेंगे। साथ ही स्पेशल भोग भी बताऊंगी, एक महा उपाय और व्रत खोलने या पारण की विधि पे भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पांचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। माता लक्ष्मी के एक स्वरूप का नाम भी रमा है। आपने सुना ही होगा भगवान विष्णु को रमापति कहते हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होती है और उनके ऊपर जमकर बरसती है। रमा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में सभी ऐश्वर्य और सुख प्राप्त होते हैं। रमा एकादशी को रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। देखिए, अक्सर हमारे पास प्रश्न पूछा जाता है कि कार्तिक इतना महान पवित्र समय है, हम कार्तिक स्नान तो कर रहे हैं पर हम व्रत नहीं कर सकते तो हम क्या करें। तो देखो, समझो मेरी बात को, कार्तिक भगवान का प्रिय मास है और एकादशी प्रिय तिथि है। इसी से कार्तिक एकादशी भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, सबको इसका व्रत जरूर करना चाहिए। जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी कार्तिक की दोनों एकादशी का व्रत तो जरूर ही करना चाहिए। पर अगर किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, शरीर के हालात की वजह से, आना जाना, कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी, आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एकादशी की पूजा जरूर करें, व्रत कथा जरूर सुने, इसका भी महापुण्य फल मिलता है। अब लोग कहते हैं कि भाई रमा एकादशी का व्रत और एकादशियों की तरह ही है तो इसका क्या फल है। तो देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक दिन वासुदेव श्री कृष्ण के केशव रूप की उपासना की जाती है। मन की एकाग्रता बढ़ाने और मन को कंट्रोल करने के लिए इस व्रत को जरूरी करना चाहिए। इस व्रत से मन संबंधित सभी परेशानियों का हल हो जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है और ये व्रत सुखद वैवाहिक जीवन देने वाला भी है। ये व्रत भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस एकादशी को श्री कृष्ण उपासना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करती हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन बहुत शुभ फल देने वाला होता है, याद रखना। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि बता देती हूँ, स्टेप्स में बता रही हूँ कि हमें क्या क्या करना है। देखो, एकादशी व्रत के दिन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही हमारे एकादशी के नियम शुरू हो जाते हैं।
दशमी के दिन श्रद्धालु सूर्य अस्त होने से पहले ही खाएंगे, सात्विक खाना खाएंगे, वो भी एक समय। दशमी तिथि को सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना, अन्न नहीं खाना। इसकी वजह यह होती है ताकि एकादशी वाले दिन हमारे पेट में अन्न का अंश ना रह जाए। दशमी की रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सो। रमा एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे। देखो कार्तिक में वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छाव में स्नान का विधान है, पर जो लोग कार्तिक स्नान नहीं करे वो कम से कम एकादशी पे तो जरूर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे। अगर किसी पवित्र नदी में, गंगा जी वगैरह में स्नान कर सकते हो तो बहुत ही उत्तम है, पर अगर ये संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने। पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहने चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करें। अपने पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। फिर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। पूजा शुरू करते हुए सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लें। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के केशव स्वरूप की भी पूजा की जाती है। अच्छा, इसके अलावा आपके सेवित शिव विग्रह हैं तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करें, उनका सुंदर श्रृंगार करें। अगर आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण से भी पूजा करवा सकते हैं। देवी लक्ष्मी को लाल पुष्प के फूल जरूर अर्पित करना। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य फूल फल आदि से पूजा करना। फल में आप चाहो तो केला अर्पित करना, पीला फल बहुत ही अच्छा रहता है। और मिष्ठान में पीली बढ़िया मखाने की खीर अर्पित करना। ये माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को तुलसी मखाने और मिश्री का भोग लगाएं, बहुत उत्तम रहेगा। एक दिन विष्णु जी को मुख्य रूप से तुलसी पत्ती चढ़ाई जाती है। तुलसी का विशेष महत्व होता है, इससे सारे पाप माफ हो जाते हैं। माता तुलसी को दीप अर्पित करें। अच्छा, याद रखना एकादशी पे माता तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पूजा के एक दिन पहले ही तुलसा जी को तोड़ के रखें। फिर एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने, एकादशी माता की आरती करें, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी आरती करें। उनकी पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा याचना अंत में जरूर ही करें। देखो रमा एकादशी बता चुकी हूं, बहुत महान और फलकारी दिन है। तो आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ जिसका विशेष ध्यान रखना। पूरा दिन शुभ कर्मों में लगाना। एकादशी के दिन घर में सुंदर कांड भजन कीर्तन करवा सकते हो। इस दिन भगवत गीता पढ़ना बहुत ही अच्छा माना गया है। कार्तिक को दामोदर मास भी कहते हैं, इसलिए भगवान के दामोदर लीला का ध्यान जरूर करें। पूजा करने के बाद मस्तक पर सफेद चंदन जरूर लगाएं, इससे मस्तिष्क शांत रहेगा, एकाग्रता बढ़ती है। जो लोग दीक्षित नहीं है वो पूरा दिन भगवान कृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। रमा एकादशी के दिन एकाक्षी नारियल घर लाना और उसकी पूजा करना बहुत फलकारी होता है। मान्यता है इससे माँ लक्ष्मी घर में वास करती है। रमा एकादशी पर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अपनी इच्छा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी का दान करें। दो चीजें, एकाक्षी नारियल लाना और बांसुरी का दान करना, बहुत अच्छा है। इस दिन श्री रामचरित्र मानस के अरंडे कांड का पाठ करना भी बड़ा फलकारी होता है। अच्छा, इसके अलावा गौशाला में गौओं को भोजन कराने से श्री कृष्ण कृपा सहज में ही मिल जाती है, इसलिए जरूर ही गौशाला जाएं। एकादशी पे दान को सर्वोत्तम बताया गया है। कार्तिक माह में भी दान का विशेष महत्व है, इसलिए कार्तिक एकादशी पे किए गए किसी भी दान का फल हमें 100 गुना अधिक होकर मिलता है, इसलिए एक दिन दान जरूर करना। मंदिर में कुछ पैसे दान कर सकते हो, गरीबों में अन्न वस्त्र का दान कर सकते हो, गौशाला तो जाना ही जाना है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। देखो लोग अक्सर पूछते हैं कि रमा एकादशी पे किस स्पेशल चीज का भोग लगाना है, तो याद रखना रमा एकादशी के दिन केले का फलहार हमें बंदर की योनि से मुक्ति दिलाता है, इसलिए केले का भोग लगाएं, केले का प्रसाद बांटे और खुद भी केला फलहार में जरूर खाएं। जो निर्जल व्रत करते हैं वो केला नहीं खाएंगे, बाकी सब एक समय केले का फलहार जरूर लें। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या एकादशी पे केला खा सकते हैं, तो बिल्कुल खा सकते हैं।
एकादशी अगर वीरवार के दिन पड़ती है, मतलब कभी ऐसा संयोग हो कि एकादशी और वीरवार का संयोग बनता है, उस दिन ना केले का हम भोग लगाते ना केला खाते, बट बाकी सभी एकादशियों पे केले का भोग भी लगता है और केला खाया भी जाता है। अच्छा, इतना महान और फलकारी दिन है, याद रखना, ज्यादा से ज्यादा समय नाम जाप में बताना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इस महामंत्र को पढ़ते और गाते रहें, आप सबका कल्याण होना निश्चित है। इसके साथ ही श्रीहरि विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा भी आपको सहज में मिल जाएगी। अब एक छोटा सा काम बता रही हूँ जो जरूर करना, शाम को पूजा करने के बाद तुलसा महारानी के समक्ष दीपदान करना, आकाश में भी दीपदान करना। भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान जब हम आकाश में करते हैं तो वो बहुत फलकारी रहता है। अगर पूरा दिन बिना खाए नहीं रह सकते तो रात को दीपदान के समय एक बार फलाहार कर सकते हैं, मतलब कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हैं। याद रखना, एकादशी पे समाक के चावल नहीं खा जाते। एकादशी के दिन रात्रि में सोने का विधान नहीं है। कहा जाता है कि एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए रात्रि में जागरण जरूर करना, भजन कीर्तन करना। पुराण के अनुसार एकादशी व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन और दान, विशेषकर कपड़े जूते छाता आदि का विधान बताया गया है। भोजन ग्रहण करना से पहले, जब हम व्रत खोलते हैं उससे पहले दान कुछ ना कुछ जरूर ही करना। रमा एकादशी के अगले दिन द्वादशी को गोवत्स द्वादशी या बछ बारस भी मनाई जाती है। इस दिन गौ और बछड़े की पूजा का विधान है। कई जगह गोवत्स द्वादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को भी मनाई जाती है। अगर आप भादों में मनाते हो तब भी कार्तिक में द्वादशी को गाय की पूजा जरूर करना। द्वादशी को गाय के दूध से बनी चीजें नहीं इस्तेमाल की जाती है, भैंस या बकरी के दूध का ही इस्तेमाल किया जाता है। पद पुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देने वाली है। इसे करने से व्रती अपने सभी पापों का नाश करते हुए भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी जरूर होती है। इसके अलावा रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन में धन धान्य की कमी दूर हो जाती है। बहुत ही महान और फलकारी दिन है, इसको ऐसे ही छोड़ना मत, अधिक से अधिक इसका उपयोग करना। इसी के साथ में उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।